हाँ तो व्यूवर्स देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश हो रही है, सर्दियों की पहली बारिश है ये। और बाहर देखें कोई भी नहीं है, नहीं ये एक घूम रहे छाता लेके। और अभी हम बना रहे हैं सूजी, क्योंकि मौसम आपको पता है जैसा कि कितना प्यारा हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो अभी मैं बनाऊंगी सूजी और साथ बनाएंगे हम आलू गोश और चावल। और आप लोगों से आज की रूटीन मैं शेयर करूंगी और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूं। और अभी मैं बनाने जा रही हूं हलवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है, तो अभी हम बनाएंगे हलवा। और लाइट भी हमारी गई हुई है, ये वीडियो हो सकता है आपको कल मिले, पर बना मैं आज रही हूँ। तो कल मिले या रात को आ गई लाइट, तो रात को ही अपलोड कर दूंगी मैं। तो अभी दूध गरम कर रही हूँ मैं, दूध गरम करके फिर हलवा बनाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। और जैसा कि ये दिखाए इधर से, वो मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है। देखें व्यूअर्स कितना प्यारा मौसम है और इतना ठंडा ठंडा और इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं कमरे में थी इसलिए। तो अभी ये होगा दूध गर्म, तो उसके बाद हम हलवा बनाएंगे दूध वाला। और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, और जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आप लोगों से शेयर करूंगी मैं। और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है वीडियो शुरू करने से पहले, कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। हाँ तो व्यूअर्स देखिए, अब मैं ये भून रही हूँ सूजी, और मैं ये सिर्फ आपको भूनते हुए और जब पक जाएगी दिखाऊंगी, क्योंकि आज की रूटीन मुझे सारी आप लोगों से शेयर करनी है। और आप देख रहे होंगे कि आप बोल रहे होंगे कि आंटी ये तवे पे कैसे कर रही हैं। तवे पे मैं इसलिए कर रही हूँ, इधर मैं ब्राउन करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने घी तो डालना नहीं है, सिर्फ ब्राउन करूंगी। उसके बाद ये दूध है गरम, इसमें डालूंगी फिर, ताकि उसको हिलाती रहूंगी, उसकी गुठलियाँ ना बने। तो अभी ये ब्राउन होगी तो फिर। हाँ तो व्यूअर्स देखें, जैसे कि दूध मेरा उबल गया है और ये सूजी भी ब्राउन हो गई है। तो अब इस दूध में मैं सूजी डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको घी में नहीं भुना है, और इसमें चम्मच हिलाती रहूंगी और ये जैसा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी, फिर थोड़ी ठीक होगी। तो इसमें चीनी डालेंगे। अब हलवा तो हमारा हो रहा है तैयार, तो अब मैं आपसे करूंगी दूसरी चीज़ें शेयर, कि अभी इस मौसम में हम क्या 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 बना रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, और किस किस ने क्या क्या खाया है इस मौसम में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज का मौसम बहुत प्यारा है, लाइट भी गई हुई है और इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ सूजी, देखें अभी ये मैं हिलाती रहूँगी और हिला हिला के मैं पागल हो जाऊंगी अब इसमें चम्मच। जी तो हलवा हो चुका है हमारा रेडी, हलवा तो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी अम्मी ने रखा हुआ आलू गोश का सामान काट के पूरा, अम्मी ने सैलेड सबसे पहले रेडी कर दिया है। और ये आलू गोश जो है अभी उबल रहा है, अभी ये उबलेगा तो फिर बनेगा आलू गोश का सालन, साथ बनेंगे राइस, और जिस जिसने खाने है वो आ जाए। और ये बनाया साथ में सैलेड, देखें ये है मूली, टमाटर, खीरा, प्याज और सलाद पत्ता। और अभी ये तैयार हो गया है, बस ये अभी रखेंगे फ्रिज में, फिर उसके बाद सालन बनेगा, चावल बनेंगे, क्योंकि गैस आ रही है बहुत कम। तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लाइट वो गैस चली गई है, लाइट आ गई है हमारी। तो अभी फिर देखें, ये अभी मैं जला रही हूँ आग, और अभी इस पर बना रही हूँ, अभी तक सालन नहीं बना है, रात हो गई है। तो अभी ये भून के इसमें पानी डालूंगी, तो इसके बाद बनेंगे चावल। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे, मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। जी तो एवरीवन, खाना हमारा हो चुका है रेडी, खाना हो गया तैयार। ये आलू गोश और ये सलाद और ये चावल बड़ी मुश्किल से बनाए हैं गैस के ऊपर, उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर लकड़ी वाले। और ये अभी अभी देखिए गरम गरम है। और अभी लेके आएंगे कॉफ़ी, साथ हमने बनाई है कॉफ़ी, और जिस जिसने खानी है वो आ जाए। और अभी अच्छा नहीं है, यम्मी है या नहीं, खा के फिर यम्मी बताती हूँ। चावलों से देखे धुआं निकल रहा है, तो अभी हम खाने लगे हैं खाना।
और साथ पिएंगे हम, इसका चम्मच लेके नहीं आए। ये रखा हुआ करछी ले आओ ना मोहित, जिससे बनाया है खाना। और इमरजेंसी में देखे हमने वो पतीले वही रख दिए हैं, क्योंकि पतीले अंदर लेके आते तो कालक हो जाती काफी, क्योंकि आप लोगों को पता लकड़ी के चूल्हों पे कालक कैसी हो जाती है। तो अभी मैं खा रही हूँ और जिस जिसने खाना है वो आ जाए, और जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो भी मुझे बता। सही बन तो सैलेड भी तो लो, बहुत यमी बना है। और सैलेड में मैं खाती हूँ ये टमाटर, प्याज, मूली भी खाती हूँ और ये तो कॉफी डाल रही है कपों में। अभी कॉफी डाल रहे हैं हम लोग, कॉफी बन गई है हमारी और खाना हमने खा लिया है। जैसा कि आपको पता है खाना बड़ा यमी बना था, मैं बताती हूँ ना, आपने तो खाया नहीं है, बहुत टेस्टी बना था। आपको पता है लकड़ियों की आग में टेस्टी खाना बनता है। तो अभी ये डाल रही हूँ मैं कपों में कॉफी, अभी पियेंगे कॉफी और फिर उसके बाद करेंगे घर के ये सारे काम ख़त्म, क्योंकि सफाई तो बाकी तो हुई हुई है। ये किचन में थोड़ा सा गंदा है, ये साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। कल मिलूंगी नई सुबह अच्छी सुबह के साथ और अच्छे व्लॉग के साथ। कल तक दुआ में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।